खबर बिजनौर से। जनपद बिजनौर में एक ऐसे जालिम माँ बाप का चेहरा सामने आया। सगे माँ बाप द्वारा अपने ही बेटे के साथ जमीन के चक्कर में मारपीट करने झूठे मुकदमे में फंसाने का मामला सामने आया। पूरा मामला बिजनौर जनपद के ग्राम बाखर नंगला थाना कोतवाली देहात का है, जहां रवि कुमार नाम के शख्स के साथ उसके सगे माँ बाप द्वारा जमीन को हड़पने के इरादे से उसके साथ सौतेला व्यवहार करते हुए पिछले 10 सालों से उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। यह कलयुग नहीं तो क्या, जहां माँ बाप अपनी औलाद के लिए अपने मुंह का निवाला तक अपनी औलाद को दे देते हैं, वही इस घोर कलयुग में सगे माँ बाप द्वारा अपने ही पुत्र को जमीन के चक्कर में जिस तरीके से उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट की जा रही, यह एक अपने आप में सोचने का विषय है। अपने माँ बाप द्वारा इस तरीके का व्यवहार से परेशान होकर रवि कुमार और उसकी पत्नी रूबी का कहना है कि यदि उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। रवि, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है, मेरे घर वाले जमीन की वजह से मुझे मारते पीटते हैं और मेरे बालकों को भी मारते पीटते हैं। आकर जो थाने में रिपोर्ट कराए कुछ नहीं हुआ, SP DM के यहाँ भी गया, वहाँ भी कुछ नहीं होता है और दबंग लोग हैं वे, और मुझे धमकी देते हैं और मारकर तमंचे भी लाते हैं मुझे मारने के लिए। वो तो मैं बस बच ही जाता हूँ गांव वाले की वजह से, और जैसा भी है बस मेरी जान बचाता नहीं, मैं कुछ भी कर लूँगा, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो। नाम आपका? रूबी। रूबी, क्या हुआ है आपके साथ? जी, जब से शादी हुई है परेशान ही कर रखा, दहेज भी बहुत मिला लेकिन घर वालों की समझ में नहीं आई इनकी जी, और मार पिटाई करते हैं कि दहेज कम लाई है जी, बच्चे नहीं होने के, अब बच्चा भी हो गया है 7 साल बाद शादी के, पहले तो छोड़ दो जी, अब लड़का भी हो गया तो लड़के को भी नहीं अपना रहे, कह रहे हमारा नहीं है, और मार पिटाई कभी पुलिस को ले आते हैं। हम थाने गए तो वहाँ हमारी साथ बस सुलूक की हुई, DM साहब के गए, SP साहब के, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे लिए कुछ नहीं है, हम खाने रहने बस के लिए, बसर के लिए चाहिए तो कुछ ना कुछ जी, वरना हम क्या करेंगे, मर जाएं फिर उससे जाकर। आपने कहाँ कहाँ कार्रवाई करी, कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र दिया? DM साहब के, SP साहब के यहाँ, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब आप क्या चाहते हो? जी भाई, मुझे गुजर बसर के लिए, खाने पीने के लिए चाहिए, बस इंसाफ चाहिए मुझे और कुछ नहीं भाई, सबकी जिंदगी सब जियो। ठीक। नाम आपका? मेरा नाम आशुतोष राणा है, मैं रवि का ताऊ हूँ जी। क्या हो रहा है रवि भाई के साथ? रवि के साथ जो बहुत गलत कर रहा है, वो उसका हिस्सा नहीं देना चाहता, जमीन दाद दिलाई है जी, दाद दिलाई जमीन में सबका हिस्सा बराबर हो जी, और वो इसे 1 इंच भी नहीं देना चाहता। थाने में भी बैठा था वो जी, थाने में दरोगा के सामने अशो ने कहा था उससे कि भाई इसका चौथाई का हिस्सा दे दो जी, तो इसने मना कर दिया अशो को भी कि मैं ना देने का, उसे 1 इंच जमीन भी, मैं सारी जमीन बेचूंगा, जबकि उसे कोई अधिकार बगैर अपने लड़कों की सहमति के बेचने का कोई अधिकार नहीं है, दादिलाई जमीन है वो। ठीक। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।